महाविकास अघाड़ी का क्या होगा? पवार के बयान से महाराष्ट्र में खलबली। क्या बोले राउत और सीएम शिंदे? एनसीपी चीफ शरद पवार के बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मच गई है। पवार के बयान के बाद उस पर प्रतिक्रियाएं आने का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि शरद पवार साहब बड़े ही अनुभवी नेता है, उनका ये बयान महत्वपूर्ण है। सुनिए। बयान आया आना महाराष्ट्र की सियासत के लिए कैसे है, महाविकास अघाड़ी के लिए? मैं इतना ही कहूंगा, आदरणीय शरद पवार साहब ये बड़े अनुभवी नेता है, उनका जो वक्तव्य है ये महत्वपूर्ण है और उसको हमेशा जो कहते हैं उसे उसमें गंभीर्य होता है, गंभीरता होती है। इतने मैं कहूंगा, जिनको जो सोचना है समझना है वो समझ। वही उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी शरद पवार के बयान पर प्रतिक्रिया दिया है और कहा है कि ये संकेत देने की कोशिश की गई है कि अघाड़ी में सब ठीक है। राउत ने कहा, महाविकास अघाड़ी रहेगी, 2024 का चुनाव महाविकास अघाड़ी के साथ लड़ेंगे। सुनिए। पवार साहब को जो कहना है थोड़ा गलत तरीके से आपने सामने लाया है। पवार साहब विपक्षी एकता के लिए, मजबूती के लिए डटे रहे, काम करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ 1-1 उम्मीदवार होना चाहिए, ये उनकी भूमिका है। बात रही महाराष्ट्र की, तो महाविकास अघाड़ी के उपप्रमुख नेता और मार्गदर्शक है, बहुत सीनियर लीडर है और उनके लीडरशिप में, उद्धव ठाकरे जी के लीडरशिप में, सोनिया जी के लीडरशिप में महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में जो गठबंधन है वो आज है और कल भी रहेगा। सर 2024 मान के चले कि डेफिनेटली रहेगा, डेफिनेटली। सर क्या ये जानबूझ के इस प्रकार से बीजेपी कोई षड्यंत्र? ये बीजेपी का षड्यंत्र। सर आज नीतीश कुमार जो है अखिलेश यादव और ममता बनर्जी से मुलाकात करें एकजुट के लिए, ताकि अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार रविवार को महाराष्ट्र के अमरावती जिले में थे। यहां उन्होंने महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी। पवार ने कहा, आज महाराष्ट्र में अघाड़ी है, हमारी इच्छा है कि हम साथ में काम करें, पर इच्छा से क्या होता है, आगे विधानसभा और लोकसभा चुनाव है, आगे अघाड़ी रहेगी या नहीं इस पर चर्चा नहीं हुई। उन्होंने आगे कहा कि कई प्रक्रिया होती है, सीट बंटवारे का मुद्दा होता है, पार्टियों के विषय होते हैं, अभी कैसे कह सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले एनसीपी चीफ शरद पवार के इस बयान की कई मायने निकाले जा रहे हैं और महाविकास अघाड़ी में फूट की आशंका जताई जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बन रहे वन इंडिया हिंदी के साथ।